जब अपने एक भक्त की रक्षा के लिए खुद चली आई माँ दुर्गा। दोस्तों, माँ दुर्गा के पावन नवरात्रे चल रहे हैं, ऐसे में जो भक्त सच्ची श्रद्धा से कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिख देगा, माँ का साक्षात आशीर्वाद उस पर बरसेगा। तो दोस्तों, आज माता के चमत्कार की एक सच्ची घटना हम आपको दिखाने वाले हैं। राजस्थान के एक गांव में एक गरीब किसान रहता था। उसका संसार में कोई नहीं था, वह अकेला ही रहा करता था। वह रोज दिन भर खेतों में काम करता तथा जब समय मिलता तो माता की भक्ति में खो जाता। वो रोज सुबह उठकर सबसे पहले पास के ही दुर्गा मंदिर में माता का श्रृंगार करता, उन्हें भोग लगाया करता। उसे माता दुर्गा पर पूर्ण विश्वास था, इसलिए कठिन से कठिन परिस्थिति में भी वह माता का ध्यान और उनकी सेवा करना नहीं भूलता। एक बार माता के मंदिर में पूजा करते करते वह माता की प्रतिमा से बोलने लगा कि हे माँ, मेरे जीवन की बस एक आखिरी इच्छा बाकी है, आप उसे पूर्ण कर दीजिए। मैं बस एक बार आपके दर्शन करना चाहता हूँ, क्या आप मुझे दर्शन देंगी? ऐसा सुन उसके आसपास बैठे लोग सभी हंसने लगे और उसका मजाक बनाने लगे। कुछ तो ये भी बोल पड़े कि ये आदमी बुढ़ापे में पागल हो चुका है, ऐसा कभी भला हो सकता है कि माँ दुर्गा स्वयं आए और इस पागल को दर्शन देकर जाए। परंतु उस गरीब किसान भक्त ने अपनी आस नहीं छोड़ी, उसे ये पूर्ण विश्वास था कि एक बार जरूर माँ दुर्गा आकर उसे अवश्य दर्शन देंगी। उस दिन उस किसान को अपने किसी काम से बाहर जाना था। वह सुबह जल्दी उठ माँ दुर्गा की पूजा करके एक दूसरे गांव के लिए निकल पड़ा। दूसरे गांव के बीच सबसे पहले एक ऊंची पहाड़ी पार करनी पड़ती थी। दूसरे गांव से अपना काम खत्म करते करते उस किसान को शाम हो चली थी। वापस आते समय अंधेरा भी काफ़ी हो चुका था, जिसकी वजह से पहाड़ी पर चलना मुश्किल हो रहा था कि अचानक उस किसान का पैर पहाड़ी से फिसलता है और वो नीचे की तरफ गिर पड़ता है। परंतु किस्मत से एक पत्थर पर वह लटक जाता है। अब वह चिल्ला चिल्ला के मदद के लिए आवाज़ लगाने लगा, परंतु उस अंधेरे में कोई भी वहाँ उसकी मदद को नहीं था। तभी उतने में एक छोटी बच्ची उधर आई और उसने उस किसान को आवाज़ देकर कहा, कौन है वहाँ और आप नीचे क्या कर रहे हो? आखिर आप नीचे गिरे कैसे? तब किसान बोला, मेरा पैर फिसल गया और मैं नीचे गिर गया। तुम जल्दी भाग कर जाओ और किसी को मेरी मदद के लिए बुला लाओ। उस लड़की ने कहा, किसी को बुलाने की जरूरत नहीं, मैं खुद ही आपकी मदद कर देती हूँ। और वह बच्ची उसे पकड़कर ऊपर खींचने लगी। किसान यह देख के आश्चर्य में था कि पहले वह बच्ची उस तक पहुँच भी नहीं पा रही थी, फिर अचानक धीरे धीरे वह बड़ी होने लगी और एक चुनरी का कोना किसान की तरफ आता है। वह बच्ची बोली, आप इस चुनरी को पकड़ लीजिए, मैं आपको ऊपर खींच लूँगी। वो छोटी बच्ची ने चुनरी की सहायता से उस किसान को ऊपर खींच लिया। ऊपर पहुंच वह किसान उस छोटी सी बच्ची से बोला कि आखिर कैसे तुमने अपने इन नन्हे हाथों से मुझे ऊपर खींच लिया? तो वो छोटी बच्ची बोली, ये तो मेरा कार्य है कि जो मेरे हैं, मेरे अपने हैं, उनकी रक्षा तो मुझे करनी ही पड़ेगी ना। इतना कहते ही अचानक तेजी से एक बिजली कड़की और उस उजाले में वह बच्ची अचानक से गायब हो जाती है। तभी उस किसान को एहसास हुआ कि वह कोई और नहीं, साक्षात माँ दुर्गा ही थी, जो एक बच्ची का रूप धारण कर उसके प्राणों की रक्षा के लिए आई थी। वह वापस घर पहुंचा और अपने आसपास के पड़ोसियों को जब ये बात बताई तो फिर से सब उसका उपहास उड़ाने लगे और उसकी बात पर किसी को भी यकीन नहीं हो रहा था। लेकिन वह किसान जानता था कि ये मजाक नहीं, सच में उस दिन उसको माँ दुर्गा बचाने आई थी और उन्होंने उस बच्ची के रूप में उसकी जान बचाई थी। वापस भागकर वह मंदिर गया और बोला, माँ, आज तक आपने मेरी सारी इच्छा पूरी करी है, इस इच्छा को भी पूर्ण करने के लिए मैं सदैव आपका आभारी रहूँगा।